राजस्थान में कोरोना का कहर, प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव की संख्या बढ़कर 413 पहुंच चुकी है। आपको बता दें प्रदेश के 24 जिलों में बड़ा कोरोना का, यहां पर कोरोना का जो दायरा है वो बढ़ चुका है। आज 30 नए कोरोना पॉजिटिव सामने आए, झुंझुनू में 7, टोंक में 7, झालावाड़ की अगर बात करें तो 7, जैसलमेर में 5, बांसवाड़ा में 2, जोधपुर में 1 और बाड़मेर में 1 पॉजिटिव मिला। बाड़मेर में पहली बार कोरोना पॉजिटिव सामने आया, जो जगह सेफ मानी जा रही थी वहां से भी अब कोरोना के मरीज मिलने लगे हैं, तो बहुत सतर्क और बहुत सावधान रहने की जरूरत है। 413 पहुंच चुका है। राजस्थान में भी लगातार कोरोना का कहर जारी है। तमाम प्रयासों के बाद चिकित्सा विभाग पूरी तरीके से अलर्ट है, पूरा ख्याल मरीजों का रखा जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी जो जगह सेफ मानी जा रही थी, जहां से पहले कोई मरीज नहीं आया था, वहां से भी अब कोरोना के पॉजिटिव मिलने लगे हैं, तो बेहद चिंता का विषय है। 24 जिलों में कोरोना का दायरा बढ़ चुका है और आज 30 नए कोरोना पॉजिटिव सामने आए हैं। बांसवाड़ा में भी 2 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं, जोधपुर में 1 और बाड़मेर की अगर बात करें तो वहां भी 1 कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। बाड़मेर में पहली बार कोरोना पॉजिटिव सामने आया है। और इसी खबर पर अधिक अपडेट के लिए हमारे संवाददाता लोकेश ओला फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी लोकेश, देखिए बाड़मेर में कोरोना का कहर बिल्कुल नहीं था, लेकिन अब वहां से भी पॉजिटिव पाया गया है, तो क्या प्रयास लगातार किए जा रहे हैं? जो पॉजिटिव मरीज मिले हैं उनके पेरेंट्स, उनके जो घर वाले हैं, उनकी किस प्रकार से स्क्रीनिंग करवाई जा रही है, किस प्रकार से आइसोलेशन की व्यवस्था की गई है? मनीषा, बाड़मेर में आज नया कोरोना पॉजिटिव जो मरीज सामने आया है, और उसके बाद में अब प्रदेश के 24 जिलों में कोरोना का दायरा है वो बढ़ चुका है। ऐसे में लगातार कोरोना पॉजिटिव की संख्या बढ़कर अब 413 हो चुकी है, जो अब तक की अधिक मानी जा सकती है। इसी तरह आज प्रदेश में कुल 23 कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं, जिनमें 7 झुंझुनू, 7 टोंक और 7 झालावाड़ और 5 जैसलमेर में सामने आए। वहीं बांसवाड़ा में 2 और जोधपुर बाड़मेर में 1-1 कोरोना पॉजिटिव मिला है। ऐसे में लगातार कोरोना पॉजिटिव की संख्या बढ़ती जा रही है। वहीं चिकित्सा विभाग ने तत्परता दिखाते हुए जहां जहां कोरोना पॉजिटिव मिल रहे हैं वहां पर स्क्रीनिंग तेज करके वहां उनके संपर्क में आने वालों को आइसोलेट किया जा रहा है, उनके जहां सैंपल लिए जा रहे हैं ताकि उनका पता लगाया जा सके कि उनमें भी कोरोना पॉजिटिव है या नहीं है। इन सभी चीजों का ध्यान रखते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने निर्देश दिए थे कि प्रदेश के सभी लोगों का एक बार रेंडम सैंपल जाँच हो ताकि पता लगाया जा सके कोरोना से कितने संक्रमित है और कितने नहीं है। और इसी को देखते हुए जयपुर में, बात जयपुर की बात करें तो जयपुर शहर में करीब 2000 सैंपल लेने के कहा गया है, और जो कल बात करें तो कल जिन 576 सैंपल जयपुर में लिए जा चुके हैं। और इसी तरह लगातार जो स्क्रीनिंग है वो भी तेज कर दी गई है, जबकि बात करें तो प्रदेश में अब तक तकरीबन 17,811 सैंपल लिए गए हैं, जिसमें 16,549 की जो रिपोर्ट है वो नेगेटिव आई है। वहीं 849 जो सैंपलों की रिपोर्ट आना अभी बाकी है, इनको लेकर भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि अभी और कोरोना पॉजिटिव आ सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से बात करें तो जो नए जयपुर में जो हॉटस्पॉट बन रहे हैं वहां पर भी जो कोरोना पॉजिटिव है उनके आने की संभावना है। वहीं बात करें तो अन्य जो जिलों में भी जहां कोरोना का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है, जिस तरह से जो जैसलमेर की बात करें तो जैसलमेर में अभी 3 ही दिन में जो कोरोना पॉजिटिव की संख्या आना स्टार्ट हुई है, और अब जैसलमेर में कोरोना पॉजिटिव की संख्या बढ़कर 19 हो चुकी है, जो अधिक संख्या मानी जा सकती है। इसी तरह जोधपुर में भी 31 कोरोना पॉजिटिव सामने आ चुके हैं, और वही झुंझुनू में भी कोरोना पॉजिटिव की संख्या जो 32 हो चुकी है। इसमें लगातार कोरोना पॉजिटिव की संख्या बढ़ती जा रही है, जो चिकित्सा विभाग और प्रदेश के लिए चिंता का विषय बनती जा रही है। जी लोकेश, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। आपको बता दें राजस्थान में भी लगातार कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है। प्रदेश के 24 जिलों में कोरोना ने पैर पसार दिए हैं और आज 30 नए कोरोना पॉजिटिव सामने आए हैं।